नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बरचौल ने एक बार फिर से दोहराया है कि वो सदन में माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा है वो उस पर कायम है। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बरचौल ने कहा था कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बीजेपी एमएलए ने कहा कि मुसलमानों को 1947 में दूसरा देश मिल गया है, वो वहीं चले जाएं। बरचौल ने यह भी कहा कि अगर मुसलमानों को भारत में रहना है तो उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों को मानवता का दुश्मन बताया और कहा कि वो पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे बढ़ते हुए मुसलमानों के लिए ये भी कहा कि मुसलमानों के अल्पसंख्यक कहे जाने के सवाल पर उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि वो अल्पसंख्यक नहीं है, ये शब्द भारत के संविधान के साथ मजाक है। बयान दिया और बयान से विपक्ष इतना नाराज हो गया कि उन्होंने राज भवन तक मार्च कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बरचौल है। हरिभूषण जी, आपके वजह से तो राजभवन मार्च तक कर दिया विपक्ष विधायकों ने। क्या कहें हम इस पर? इसको बोल रहे हैं कि सदन के अंदर सार्वजनिक रूप से आप माफी मांगी है। सवाल नहीं है माफी मांगने का। हम क्या क्या बोलता है लोग, हम देशद्रोही पर अगर कुछ बोल दिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये सब कोई मुद्दा नहीं, तो आप माफी नहीं मांगेंगे? सवाल नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि आज फिर से हंगामा होगा। होगा तो होगा, देखा जाएगा। देखा जाएगा, तो आप झुकने को एकदम तैयार नहीं? सवाल नहीं है। सवाल इसमें झुकने का क्या बात है? आप अपने बयान पे कायम है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हरिभूषण ठाकुर बरचौल के तेवर से साफ है कि वो झुकने को तैयार नहीं। और विपक्ष ने कहा है कि जब तक सार्वजनिक रूप से वो माफी नहीं मांगेंगे सदन में, तब तक विपक्ष भी मानने को तैयार नहीं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब इस बयान के सामने आने के बाद सियासत गरमा चुकी है। बरचौल के इस बयान का बीजेपी ने बचाव किया है, तो वहीं विपक्ष माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। मांग रखेंगे और जब तक माफी नहीं मांगते हैं उनकी पार्टी के लोग, तब तक हम लोग इस मुद्दे पर कायम हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान के विरुद्ध जो बात करे वो संविधान विरोधी है। इस संबंध में हम लोगों ने सदन में बात रखी है, महामहिम राज्यपाल से भी जाकर के हम लोगों ने अपना आपत्ति दर्ज कराई है। माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बरचौल ने, जिनके प्रति जो ऐसे राष्ट्रद्रोही हैं, जिनका वक्त जो वंदे मातरम गाने से भी वो परहेज करते हैं, वैसे लोगों के प्रति उनका वो वक्तव्य है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आनंद, देखिए जिस तरीके से बयान सामने आया और उसके बाद जो हंगामा विपक्ष की ओर से हम देख पा रहे हैं, तो साफ तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी आमने सामने नजर आ रहा है। लेकिन आज सदन में क्या कुछ रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई गई है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, बरचौल से माफी मंगवाने के लिए? देखिए सिप्रा, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आज विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू होगा तो राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होने वाली है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपनी बात को रखेंगे, तो उस पर भी निगाह रहेंगे। लेकिन उसके पहले ही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बरचौल को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई और विपक्षी पार्टियों के विधायकों से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर उन्होंने राजभवन मार्च किया था, विधानसभा अध्यक्ष तक भी अपनी बात पहुंचाई थी और उन्होंने कहा है कि जब तक सदन के अंदर अपने बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक उनकी नाराजगी जाहिर रहेगी और इसको लेकर हंगामा भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बरचौल, उनके समर्थन में बीजेपी विधायक भी आ गए हैं, आपने ये सुना भी होगा, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा। लेकिन विधायक जो बरचौल हैं उन्होंने कहा है कि मैंने जब सदन के अंदर इस तरह का बयान नहीं दिया है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, और जो भी बयान मैंने दिया बाहर दिया और ऐसे बयान विपक्षी पार्टी के विधायकों की तरफ से होता है तो क्या वो माफ़ी मांगते हैं? यानी कि बीजेपी विधायक के तेवर से साफ है और बीजेपी के विधायकों के समर्थन में जो उनके बयान आने लगे हैं इस बात से पूरी तरीके से तस्वीर साफ होती है कि बीजेपी विधायक इस मामले पर झुकने को तैयार नहीं है और विपक्षी पार्टी इस मामले पर सदन के अंदर उनके माफी की मांग पर अड़ी हुई है। तो 11 बजे जैसे सदन का सत्र शुरू होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सदन के अंदर आज हरिभूषण ठाकुर बरचौल को लेकर क्या कुछ रणनीति रहती विपक्ष की। लेकिन विपक्ष के तेवर से साफ है सिप्रा कि विपक्ष इस पूरे मामले को अपने हाथ से नहीं जाने देगा, गरमाने की पूरी कोशिश करेगा और साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा शुरू होगी तो सत्ता पक्ष
पर कई सारे आरोप लगाकर विपक्ष ने पहले ही हमारा बोला और खासकर बजट पे लेके भी सवाल निशान खड़े किए। बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। तो देखिए, बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। इस दौरान विपक्ष के तल्ख तेवर देखने को मिल सकते हैं। विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार के खिलाफ हंगामा और नारेबाजी कर सकते हैं। आज की कार्यवाही के बारे में बता रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज का दिन भी हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपनी बात आज सदन में रखेंगे। जाहिर तौर पे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की आज कोशिश होगी, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार के कामकाज पे सवाल उठाए थे, तो आज भी उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी। इसके साथ ही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर भी आज हंगामा होने की पूरी संभावना है। जाहिर तौर पे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में आज क्या कहते हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब आपको जरा बजट के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से बिहार का बजट आगे बढ़ता गया। आजादी के शुरुआती वर्षों में अगर आप ध्यान देंगे तो बिहार के बजट का आकार महज कुछ करोड़ का था, जितने रुपए में एक छोटा सा पुल या फिर एक मॉल के निर्माण में लग जाते हैं। तो आपको हम बिहार के बजट के शानदार सफर से रूबरू कराते हैं। वित्तीय वर्ष की अगर बात की जाए, वित्तीय वर्ष 1952-53 का जो बजट था वो 30 करोड़ का था। पहला बजट कुल 2 करोड़ के घाटे का था। विभिन्न स्रोतों से 28 करोड़ की आय का अनुमान था। वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह ने ये बजट उस वक्त पेश किया था। अनाज की कमी के कारण पहले बजट में घाटा हुआ था। वहीं 1951 में केंद्र की ओर से 7,61,000 टन अनाज दिया गया था। 50 के दशक में नेपाल से बिहार में चावल आया करता था। शुरुआती दो वित्तीय वर्ष में 9.43 करोड़ खाद्यान्न पर खर्च हुआ। 1948 से 52 तक बिहार में अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन चला। देश में सबसे पहले बिहार में भूमि सुधार कानून 1952 पास हुआ। प्रति व्यक्ति आय में बिहार तब भी अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा पीछे था। तो ये कुछ बजट का शानदार सफर बिहार का रहा है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। आजादी से लेकर अभी तक जो सफर रहा बजट का, वो किस तरीके से उसका आकार बढ़ता ही चला गया। बढ़ते आगे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया है। अब इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिनों में 26 फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में अब शामिल हो गई है। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट रोमानिया से भारतीयों को वापस लाएगा। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए अब रवाना भी हो गया है। यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को इस काम में लगा दिया है। जनरल वीके सिंह पोलैंड में है, वही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुखारेस्ट में तैनात किया गया है, जहां से वे भारतीय छात्रों को घर भेज रहे हैं। और देखिए, ऑपरेशन गंगा किस तरीके से काम कर रही है, ऑपरेशन गंगा के तहत क्या क्या कुछ किया जा रहा है, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे पीएम मोदी पल पल का अपडेट ले रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, हर चीजों पर बारीकी से ध्यान लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर, जहां पर छात्रों के साथ वो मौजूद है। वहां से छात्रों को जो है भारत के लिए रवाना किया जा रहा है। और यूक्रेन संकट पर अब तक क्या हुआ है, अब हम आपको ये बताते हैं। पिछले 24 घंटों में 6 उड़ानें भारत के लिए रवाना हुई हैं। इसमें अगर बात की जाए तो पोलैंड से पहली उड़ान भी शामिल है। यूक्रेन से 1,377 और भारतीयों को वापस लाया गया है। और अब तक अगर पूरे भारतीयों की बात की जाए तो यूक्रेन से करीब 12,000 भारतीय अब तक निकाले जा चुके हैं।
कीव में अब कोई भारतीय नागरिक नहीं है, ये पुष्टि भी कर दी गई है। और अगले 3 दिनों का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक अगले 3 दिनों में 26 उड़ानों का इंतजाम किया गया है, जिसके तहत जो अभी भारतीय वहां फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। तो ऑपरेशन गंगा जो है उसके तहत सभी भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार तत्पर नजर आ रही है। और अगली खबर सिवान से। सिवान का दिलशाद इमाम यूक्रेन से अपने घर लौट आया है। बढ़रिया प्रखंड के हरपुर गांव का रहने वाला दिलशाद इमाम जब घर पहुंचा तो परिवार के लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिलशाद के पिता अपने बेटे को देखकर भावुक हो गए और भारत सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दिलशाद इमाम 2019 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो अपने साथियों के साथ वो यूक्रेन में फंस गए। दिलशाद ने भारतीय छात्रों के सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। वहीं परिजन दिलशाद को अपने बीच पाकर काफी खुश हैं। मैं भारत सरकार का इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो भी निर्णय लिया हम लोग को यहां तक लाने के लिए तो बहुत अच्छा वो था, तो मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इसके लिए। आप घर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? घर आके मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुआ। जब मैं अपने अब्बू से मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा अब्बू से मिल करके, और भाईजान भी मेरे वहीं पे थे और बहुत अच्छा लगा मुझे घर पे मिल करके सबसे। हमारा बच्चा जो है यूक्रेन में बहुत मुसीबत में फंसा हुआ था, बहुत हम लोग डरे और सहमे हुए थे, जो घबराए हुए थे, बहुत परेशानी में थे, लेकिन हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छी काम की। हमारे बच्चों लोग बच्चा घर पे आया, लेकिन मैं अब ये भारत सरकार से ये करता हूँ आकि दूसरे बच्चे फंसे हुए सेम मेरे बच्चे के जैसे जो है उनको भी लाने का कोशिश करे। यहाँ पे सारे लोग खुश हैं और हम लोग भी खुश हैं। हम लोग गए थे खुद रिसीव करने गए थे भाई को, तो सारे लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। उन्होंने तो 5-6 रोज से जब से सुनी थी तो खाना बंद कर दिया था, तो अभी सारे लोग सही हैं और गांव का माहौल भी सही है। अभी सारे लोग परेशान थे तो अच्छा लग रहा है, भाई वापस आ गया सकुशल यूक्रेन से घर चला है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत परेशान थे, घर वाले भी परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे कि जितने वहाँ पे स्टूडेंट है वो यहाँ पे आ जाए, अपने घर लौट जाए। बहुत खुशी हमें। यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों को बॉर्डर तक पहुंचने में तिरंगा झंडा काफी मददगार साबित हुआ। छात्रों ने पर्दा और स्प्रे कलर से तिरंगा झंडा बनाया और सुरक्षित रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंच गए। छात्रों का कहना है कि पाकिस्तानी और तुर्की के छात्रों ने भी बॉर्डर तक पहुंचने में तिरंगे की मदद ली, भारत माता की जय के नारे लगाए और सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंच गए। वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे, लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। कैसे हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें स्लेव उनको हेल्प मिल रही थी। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद वहां हालात बिगड़ गए हैं, जिसके कारण पटना के सिटी चौक थाना क्षेत्र के हाजीगंज निवासी शिवांगी यूक्रेन में फंस गई हैं। शिवांगी के यूक्रेन में फंसे होने के कारण उसके परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी है। परिजन उसके सकुशल वापसी की कामना कर रहे हैं। और इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शिवांगी के परिजनों से मुलाकात की और वीडियो कॉल के माध्यम से यूक्रेन में फंसी मेडिकल की छात्रा से बातचीत की और उसका हौसला बढ़ाते हुए उसके सकुशल वापसी का भरोसा दिया। सुशील मोदी ने शिवांगी से क्या बात की है, आइए अब आपको वो भी सुनाते हैं। ठीक है बेटा, सारी जानकारी हम लोगों ने दे दिया है और सब लोग लगे और धीरे धीरे मुझे लगता है कि स्थिति जो है कल से बेहतर स्थिति हुई है। रशिया पर दबाव भी बन रहा है तो ईश्वर पर भरोसा रखो और पूरा हिम्मत रखो। तुम लोग जरा सा भी हिम्मत हारोगे तो घर वालों की हिम्मत हार जाएंगे। और तुम अकेले कितने बच्चे हैं वहाँ पर? 500 बच्चे एक ही जगह पर हो या उस इलाके में? नहीं नहीं ठीक है, वो ध्यान रखो।
वो भी हम लोग बात करते हैं कि कोई खाने वगैरह की दिक्कत नहीं हो। ये मधुसूदन जी हैं और ये इनकी पत्नी है, इनकी बच्ची फिफ्थ ईयर में है और यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है जो रूस से लगा है वहाँ पर करीब 500 बच्चे फंसे हुए हैं। इनकी भी बच्ची वहाँ पर है, बंकर में है, अंडरग्राउंड नीचे है और वो इलाका युद्ध वाला इलाका है, वहाँ से एक भी अभी तक रेस्क्यू नहीं हुआ है क्योंकि वो पूरा युद्ध वाला इलाका है। लोग काफ़ी घबराए हुए हैं लेकिन मैंने इनको आश्वस्त किया है कि पूरी भारत सरकार लगी है। जेडीयू लगातार अपने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में जुट गया है। जेडीयू के युवा प्रदेश अध्यक्ष युवा पदाधिकारियों के साथ बिहार के दौरे पर निकल चुके हैं, जो बिहार के तमाम जिलों में जाकर युवाओं को जेडीयू से जोड़ेंगे और उन्हें नीतीश कुमार के विकास कार्यों की जानकारी देंगे, जिनसे बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। अभी कुछ दिन पहले संगठन के विस्तार के बाद पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदेही दी है यूथ विंग की, तो हम लोग अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए दो चरण में हम लोगों ने रिलीज़ किया है। हम लोग जेपी की मूर्ति से माल्यार्पण करके छपरा से हम लोग अपनी यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। जिले में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। हम लोग अभी बस जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए कि कैसे संगठन को और मजबूत किया जा सकता है, कैसे नौजवानों को और अपने साथ जोड़ा जा सकता है। बिहार में अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करों की अब खैर नहीं। होली को लेकर उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस ड्रोन की मदद से अवैध शराब के कारोबार करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की कवायद में जुट गई है और चोरी छिपे अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ अभियान चला रही है। अवैध शराब के अड्डों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी जारी है। शराबबंदी के खिलाफ जारी अभियान के विषय में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में शराबबंदी की मुहिम को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार हर वो उपाय कर रही है जिससे शराब माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके, और इसी में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ड्रोन के इस्तेमाल का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो भी इंटीरियर इलाकों में अवैध तरीके से शराब का निर्माण कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं, ड्रोन के मदद से उनकी पहचान हो जा रही है और जैसे ही इसकी जानकारी होती है उसके बाद वहाँ पे सर्च किया जाता है और अवैध शराब का धंधा करने वालों को न सिर्फ पकड़ा जा रहा है बल्कि वो शराब बनाने वाले तमाम उपकरणों को भी जब्त किया जा रहा है और पकड़े गए शराब को भी नष्ट किया जा रहा है। लेकिन अब उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस की कोशिश है कि जो सर्च के दौरान जिनकी जानकारी मिल रही है खासकर ड्रोन के माध्यम से, उनके चेहरे भी सामने आ जा रहे हैं तो उन्हें चिन्हित कर लिया जाएगा और बहुत जल्द न सिर्फ शराब के अड्डे को ध्वस्त किया जाएगा बल्कि उसे दोबारा लगाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उनके चेहरे जो ड्रोन के माध्यम से कैद हो चुके हैं उनकी गिरफ्तारी भी तेज की जाएगी। और ये सब कवायद इसलिए भी तेज कर दी जा रही है क्योंकि होली का समय आ रहा है और जो भी अवैध शराब बनाने वाले हैं उनकी सक्रियता फिर से न बढ़े, इसको लेकर उत्पाद विभाग बेहद मुस्तैद है और उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस की कोशिश है कि ड्रोन के मदद से वैसे चेहरे जो कैद हो चुके हैं ड्रोन में उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और अवैध रूप से शराब का उत्पादन करने वाले या फिर उसे बेचने वाले को पकड़ा जाए और ऐसे लोगों की कमर भी तोड़ी जा सके। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। होली के नजदीक आते ही बिहार में अवैध शराब की तस्करी में तेजी आने लगी है। शराब तस्कर बिहार में दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे। गोपालगंज पुलिस ने यूपी बॉर्डर स्थित बलथरी चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान गाड़ी से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया और साथ में एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान हरियाणा के पानीपत जिले का निवासी के तौर पर हुआ है। वाहन से बरामद शराब हरियाणा से दरभंगा भेजी जा रही थी जिसको गाड़ी में छिपा कर रखा गया था। जब्त विदेशी शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं कुचायकोट के बघउच स्थित गंडक नदी के पास से पुलिस ने ऑटो से 417 बोतल शराब जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शराब से संबंधित मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जिला में एक ड्रोन भी आया है विभाग की तरफ से, तो सुदूरवर्ती क्षेत्र में दियारा क्षेत्र में हम लोग उसकी भी सहायता ले रहे हैं। और इसके अलावा बलथरी चेक पोस्ट पर है, वहाँ निगरानी रखी जा रही है। नालंदा जिले के सोरे गांव में काला गेहूं का उत्पादन हो रहा है। गांव में पहले काले धान का उत्पादन किया जा रहा था लेकिन अब
काले गेहूं का भी उत्पादन हो रहा है। काले गेहूं से बने आटे को पैक कर उसे बाजार में उतारने की तैयारी है। इससे स्थानीय किसानों को अधिक कमाई की भी उम्मीद है। काला गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। मौजूद है नालंदा जिले के बेन प्रखंड के सौरे में, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो चावल है और गेहूँ, ये काले चावल गेहूँ का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर आप दिखा दें कि जो ये गेहूँ है और ये गेहूँ काले है, और यहाँ पर काले चावल और गेहूँ जो है धान दोनों का उत्पादन किया जा रहा है, और यहाँ पर है जो काले गेहूँ का आटा पिसाई कर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। तो कई काले धान का जो चावल है उसे बनाकर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि जो बीमारी बढ़ रही है उसे मुक्ति पाने के लिए काले चावल और काले धान का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से है, जो ये आटा है, ये काले जो गेहूँ है उससे पिसाई कर पैकिंग किया गया और मार्केट में उतारने की काम शुरू कर दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो बीमारियों पर मुक्ति पाने के लिए इन लोग का प्रयास काफ़ी सराहनीय है, और एक तरह से कहा जाए तो पहली बार इस तरह का नालंदा में प्रयोग किया जा रहा है। तो जानते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आप लोग काले चावल और गेहूँ का काम। काले चावल का जो अभी मतलब यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है किसानों के द्वारा जो है, खास करके देसी जो अपना जो तकनीक है जिसमें बायो कंपोस्ट के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और अपने किसानों को जो हम प्रेरित कर रहे हैं उसे काफ़ी हद तक ये देखा गया कि जो हमारा डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट और कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके लिए हमारे उत्पाद काफ़ी लाभदायक हैं। ये ओवरऑल बॉडी का इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा लोगों के बीच है, क्योंकि हमारा डे टू डे का जो लाइफ है उसके बीच में ये कॉन्स्टिपेशन को पूरा का पूरा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर जैसी समस्या का बहुत समाधान करता है। मैं काला धान भी लगा उत्पादन कर चुका हूँ, अभी काला गेहूँ मेरे खेत में लगा हुआ है, और मैं देसी गोवंश आधारित गोबर और गौमूत्र से इसका उत्पादन किया हूँ, जो और माने केमिकल ढंग से जो उपजा रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर और बेनिफिट है, क्योंकि हमें कोई कीटनाशक या कुछ डालना नहीं पड़ा है। देख सकते हैं किस तरह से जो है कहना है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, अन्य सभी बीमारियों में इस काले चावल और गेहूँ काले गेहूँ के आटा खाने से काफ़ी फायदेमंद है, और साथ ही बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।